गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड विल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर 7 ऑफ क्लास 6 सिविक्स. चैप्टर 7 इज रूरल लिवलीहुड्स. जब हम बात करते हैं गाँव की, विलेजेस की, तो गाँव में हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन दैट इज प्रैक्टिस्ड बाई न्यूमरस ऑफ फार्मर्स इन इंडिया. स्पेशली इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ फार्मर्स. आज भी इंडिया में अराउंड 60% से ज़्यादा लोग किसी न किसी फॉर्म से, किसी न तरीके से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं. इस चैप्टर में हम लोग गाँव में, रूरल मीन्स ग्रामीण, लेवलीहुड का मतलब है कि वो पैसा, वो ऑक्यूपेशन जिससे वो मनी अर्न करते हैं और अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं. तो इस चैप्टर में आज हम सीखेंगे रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में. चैप्टर के शुरू में एक स्टोरी दी हुई है जो कि एक विलेज के बारे में, जहां पर वेरियस पर्सन्स के बारे में बताया गया है कि वे कौन सा काम करते हैं गांव में और कैसे वो अपने इनकम को जनरेट करते हैं. तो आप सबसे पहले तो इस स्टोरी को आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे गाँव में डिफरेंट लोग अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऑक्यूपेशंस हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव. जैसे कि अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, एग्रीकल्चर के अलावा पोल्ट्री, कभी वो लाइफ स्टॉक्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे मवेशी, कैटल देखने को मिलेगा, पिग, गॉड, कैमल, शेप, ये सब आपको देखने को मिल सकता है. So students, this is the story that you have to read first. In this story, they have given that there is a village named as Anandpali village in West Bengal, which is located on the banks of river Barakar. In this village, as in the numerous other villages of our country, people indulge in various kinds of work to earn a living for themselves and their families. Look here, what it is written here. There are numerous of other activities in which people are indulged. ऐसे बहुत सारी activities हैं जिसमें लोग लगे हुए रहते हैं. For what? To earn a living for themselves and their family. एक बार आप इस line को ध्यान से पढ़िए. अपनी family के लिए और खुद के लिए एक पैसा कमाने का जो जरिया होता है उसे हम बोलते हैं livelihood. तो लाइवलीहुड रेफर्स टू ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड पीपल विथ बेसिक नीड्स. लाइवलीहुड रेफर करेंगे किसी ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा, वो जो पर्सन है क्या काम करता है जिससे उसको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, सो दैट ही कैन जनरेट इनकम, सो दैट ही कैन प्रोवाइड पीपल विथ बेसिक नीड्स. उनकी फैमिली में लोग हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा किया जा सके. इन रूरल इंडिया एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड. इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो मेन सोर्स है लिवलीहुड का. हाउएवर सम पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द ऑक्यूपेशंस सच एज फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री. ये सारे आप चीज़ें आपको गांव में देखने को मिलेगी अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो इस स्टोरी में आप देखोगे कैसे डिफरेंट लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं. जैसे कि आप देख सकते हो रहमान गेट्स अबाउट 40 पर डे, अबीता गेट्स ओनली 30. दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट पैडी, धान को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. बट रहमान क्या है, एक लैंडलेस लेबरर है. ही डज नॉट ओन एनी लैंड, सो ही एंड हिज वाइफ अबीदा वर्क इन अली हुसैन्स पैडी फील्ड. क्योंकि ये पर्सन रहमान जो है इसके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, सो ही इज़ नॉट एबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. सो वाट ही डज, ही वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अली हुसैन्स पैडी फील्ड्स. पैडी का मतलब धान, आप समझ लो. तो इस तरह से आप देखोगे कि जो डिफरेंट लोग हैं गांव में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को फॉलो करते हैं और उनका जो लाइवलीहुड है वो अलग अलग है. तो लाइवलीहुड जैसे ही टर्म आएगा उसका मतलब है हम रेफर कर रहे हैं उस ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट से जिससे किसी पर्सन को जो उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू अंडरस्टैंड. जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे यू विल फाइंड दैट अली हुसैन इज़ अ रिच फार्मर बिकॉज ही हैज़ अ 30 एकर ऑफ लैंड. इन द सेम स्टोरी देयर इज अनदर पर्सन नेम्ड एज बबलू दास, हु इज अ मिडिल फार्मर
एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू रहमान इज अ लैंडलेस लेबरर. सो देयर आर थ्री क्वेश्चंस फॉर यू. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस स्टोरी यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस. व्हाई डज अबिदा गेट लेस वेजेस देन रहमान. रहमान के कंपैरिजन में अबिदा को सेम काम के लिए कम पैसे क्यों मिलते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस आर एसोसिएटेड विथ फार्मिंग इन दिस विलेज. इस गांव में खेती से ही जुड़े हुए और कितने तरह के अनदर ऑक्यूपेशंस अवेलेबल हैं. एंड व्हाई डज रहमान हैव टू लोड सैंड टू अर्न मोर मनी. इस स्टोरी में रहमान को जो सैंड है, बालू है, उसे लोड करने का भी काम करना पड़ता है टू जनरेट मोर इनकम. ऐसा क्यों करना पड़ता है, इसका आंसर भी आप इस स्टोरी को पढ़कर दे सकते हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू दिस चैप्टर, स्पेशली दिस स्टोरी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस चैप्टर इज अबाउट द लाइवलीहुड प्रैक्टिस्ड इन द रूरल इंडिया. नाउ विल फोकस ऑन फार्मिंग एंड अदर ऑक्यूपेशंस. फार्मिंग तो पता ही है, एग्रीकल्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं. इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे. अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू बिग फार्मर्स एंड मैनी स्मॉल फार्मर्स देयर आर मिलियंस ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स. इंडिया में ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे फार्मर्स जिनके पास ज़मीनें हैं वो फार्मिंग भी करते हैं. कुछ ऐसे ही फार्मर्स हैं जिनके पास, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, दे हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लैंड, बट दे आर मिलियंस ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स. ऐसे बहुत सारे लेबरर्स हैं जो एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्क करते हैं एज अ लेबरर्स. द बिग फार्मर्स सेल अ मेजर पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट. जो बड़े फार्मर्स हैं, जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको वो मार्केट में बेच कर अच्छा इनकम कमाते हैं. मैनी ऑफ देम ओन ट्रैक्टर्स एंड हैव इरेक्टेड ट्यूब वेल्स और पम्प्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर लैंड. आपने देखा होगा गांव में जो अच्छे फार्मर्स हैं उनके पास ट्यूबवेल्स होता है, दे हैव ट्रैक्टर्स जिसका वो इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं. द ट्यूबवेल्स फ्री द फार्मर्स फ्रॉम ओवर डिपेंडेंस ऑन द मानसूनस फॉर इरीगेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड्स. पहले ऐसा था कि इंडिया में लोग डिपेंडेंट थे मानसून पे, इट मीन्स द रेनी सीजन पे, सो दैट दे कैन ग्रो क्रॉप्स. बट विद द प्रॉपर एबिलिटी ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ आज ट्यूबवेल्स, वेल्स, कैनल्स, डैम्स बनने के बाद क्या हो रहा है कि आज हमारे फार्मर्स जो हैं मानसून पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है. वो इनका इस्तेमाल करके प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर आज अपने खेतों में अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई. आज हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिपार्टमेंट होता है जो आसपास के गांवों में इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करता है, सो दैट दे कैन इम्प्रूव द इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड द क्रॉप प्रोडक्शन इन द एरियाज कैन बी इम्प्रूव्ड. कुछ ऐसे ही बिग फार्मर्स हैं, दे हैव ऑल्सो हैव राइस मिल्स, फ्लोर मिल्स एंड ब्रेक क्लिन्स. जो ईटा भट्टी होती है, जो फ्लोर मिल्स होते हैं जहाँ पे आप देखते हो कि गेहूं को पीसा जाता है, राइस मिल्स होते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर दे आर इंगेज इन मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग एंड इवन दे हैव देयर ओन शॉप्स. तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो गाँव में प्रैक्टिस होती है. अगर हम किसी टिपिकल इंडियन विलेज की बात करें तो आज भी वहाँ पे फार्मिंग जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो दैट अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज इन एग्रीकल्चर. बहुत सारे लोग हैं जो कलेक्ट करते हैं फायरवुड, फ्रूट्स, हर्ब्स, अदर आइटम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. मैनी पीपल प्रैक्टिस एनिमल हस्बेंड्री, वो रियरिंग करते हैं एनिमल्स की, एनिमल्स को ग्रो करते हैं सो देट उनको बेच कर एक अच्छा इनकम जनरेट कर सके. इवन डेयरी फार्मिंग भी करते हैं, कैटल रेजिंग, फिशिंग एटीसी. मैनी विलेजेस हैव प्राइमरी स्कूल्स एंड डिस्पेंसरी. बहुत सारे विलेजेस में प्राइमरी स्कूल और डिस्पेंसरीज हैं, प्राथमिक यहाँ पर उपचार किया जाता है. सम ऑफ द विलेजेस आर एम्प्लॉयड इन दिस प्लेसेज एज टीचर्स, नर्सेज, आयर्स एटीसी. इनमें कहीं कहीं पे जो गांव के लोग ही एज ए टीचर्स, नर्सेस और आयाज, जो आंगनबाड़ी सेविका वगैरह होती है जो आप जानते हो, उन सब में लोकल लोगों को ही शामिल किया जाता है ताकि वो अच्छे से उस एरिया का डेवलपमेंट कर सके. सो दिस वेयर द ऑक्यूपेशंस दैट वी हैव डिस्कस्ड. इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट सम मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर्स. थैंक यू.